अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर रीवर्स. हियर वी हैव अ वेरी अमेजिंग रीडिंग एंड एक्टिविटी बुक विच इज़ कॉल्ड फोनिक्स वर्ल्ड रीडर स्टेप टू. इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. इट्स अ रिकमेंडेड एज 3.5 टू 4.5 ईयर किड्स एंड इट्स अ वेरी गुड बुक. So I'm going to introduce the inside of this book. It's a Max series book of phonics stage 2. इसमें आप बच्चों को visual discrimination, auditory discrimination, visual memory, cognitive development, social and emotional development आप बच्चों को through reading सिखा सकते हैं. इसमें तीन तरह के phonics introduce करवाए गए हैं, synthetic phonics, analytic phonics, embedded phonics. So इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं learn करने के लिए. इसका जो स्टेज वन है वो इंग्लिश डेवलपमेंट, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेगा बच्चों के. इसमें जो चार कैरेक्टर्स हैं, तैबा, ज़ोया, उस्मान एंड मूसा, वो आपको स्टोरीज की फॉर्म में बच्चों को अराउंड द वर्ल्ड चीज़ों के बारे में बताएंगे और आप इस पर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. जिस तरह से इसमें मीट द लेटर ए, कैपिटल ए स्मॉल, इट्स अ साउंड ए, और इससे क्या बनता है, एरोप्लेन बनता है, एप्पल बनता है, एंट, एरोप्लेन और एरो, ये इसमें फोकस किया गया पिक्चर. और फिर उसके बाद लेटर बी, इसमें इंट्रोडक्शन भी, इसमें नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि आपने किस तरह पढ़ाना है. फिर लेटर बी है, कैपिटल और स्मॉल, साथ साथ आप लेटर सिखा सकते हैं. अराउंड द वर्ल्ड जो चीज़ें बच्चे देखते हैं, जैसे अपने घर में, अपने घर से बाहर जाते हैं तो जिस चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो आप करवा सकते हैं. ये जैसे कि एक्टिविटी पेज है तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों को, और इसके अंदर ना स्टिकर्स भी हैं जो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्टिकर्स की नीड होगी. पेस्ट द पिक्चर, रीड एंड से अलाउड. तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करने के लिए हैं, बहुत सारा मटेरियल है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं. इसमें फेस्टिवल्स के बारे में, इसमें रमज़ान के बारे में, ईद उल फितर के बारे में, फेस्टिवल हम कौन कौन सी मनाते हैं, क्या क्या मनाते हैं, सारा कुछ इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. अल्फ़ाबेटिकली इसमें चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. फिर इसका सेकेंड पोर्शन आता है जो कि बहुत अच्छा है, वो है स्टेज टू इंग्लिश, ठीक है. स्टेज टू, स्टेज वन मैंने आपको दिखा दी, ये भी आपकी डेवलपिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेगी. फोनिक ग्रामर कॉन्सेप्ट, रीडर फॉर लेटर स्टेजेस कॉन्सेप्ट. फिर उसके बाद यहाँ पर आप बच्चों को स्काई लेटर, ग्रास लेटर, रूट लेटर, ये चीज़ें बताएंगे, वॉवल बताएंगे, कॉन्सनेंस बताएंगे, टू लेटर वर्ड्स, वन लेटर वर्ड, रीड करना सिखाएंगे जो उनको रीडिंग में फ़र्दर हेल्प करेगी. इसके अंदर फोटो मेमोरी पेजेस हैं जो बच्चे फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जो चीज़ें वो आप बताएंगे उनको. इसके बाद ए साउंड वर्ड्स हैं, इसमें वॉवल ए साउंड वर्ड्स हैं, थ्री लेटर वर्ड्स हैं, हु वेयर का कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारा मटेरियल जो कि आप बच्चों को इस स्टेजेस पे सिखा रहे होते हैं. तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने एक बहुत ब्रीफ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है. इसमें नाउन और के बारे में बताया गया है, और उसका लास्ट स्टेज है वो स्टेज थ्री है, और वो आप देख लीजिए. वो भी जो है वो इस तरह का है, पिक्चर स्टोरी डिस्क्रिप्शन. इस तरह बच्चे को आपने कोई स्टोरी दी, आप उसके बारे में बात करें, उससे पूछें कि इसमें कॉन्वर्सेशन बेस्ड, और लास्ट में इसके ये सारे स्टिकर्स हैं जो जहाँ पे नीड होगी आप वहाँ पर दे सकते हैं, और लास्ट में इसके रिवॉर्ड स्टिकर्स भी हैं. तो अगर आपको ये बुक अपने बच्चों के लिए बेहतरीन लगती है तो आप ज़रूर इसको ऑर्डर कीजिए.